हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डियर डीपी सर लर्न विद फन में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजस्थान विधानसभा के बारे में। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने हाल ही में कुछ समितियों का गठन किया है। विधानसभा में कार्य संचालन हेतु जन लेखा समिति, प्राकलन समिति क और इसके साथ साथ राज्य के उपक्रम समिति का भी गठन हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के द्वारा किया गया। आप सभी को पता है इन सभी समितियों का कार्यकाल 31 मार्च 2021 तक रहेगा, क्योंकि ये 1 साल के लिए गठित की गई है। और इन सभी का गठन विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 183A के तहत इन समितियों का गठन किया जाता है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी समितियां हैं और उनका सभापति किसे बनाया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुलाब चंद कटारिया, इनको जन लेखा समिति का सभापति बनाया गया है। इनके साथ प्राकलन समिति है, राजेंद्र पारिक को बनाया गया है। प्राकलन समिति है, इनका सभापति दयाराम परमार को बनाया गया है। राजकीय उपक्रम समिति का सभापति हेमाराम चौधरी, नियम समिति का अध्यक्ष सीपी जोशी को बनाया गया है। याद रहे, जो नियम समिति होती है उसके पदेन सभापति विधानसभा अध्यक्ष होते हैं। तो याद रहे, ये इंपोर्टेंट समितियां हैं। इनमें भी सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है जन लेखा समिति, जिसके अध्यक्ष गुलाब चंद कटारिया को बनाया गया है। इसके साथ ही जो नियम समिति, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, नियम समिति का पदेन अध्यक्ष सीपी जो यानी जो विधानसभा अध्यक्ष होता है वो पदेन अध्यक्ष होता है, और वर्तमान में सीपी जोशी विधानसभा के जो नियम बनाने वाली समिति उसके पदेन अध्यक्ष है। इसके अलावा विधानसभा में कुछ अन्य और समितियां हैं जिनके बारे में भी हम जानते हैं। विशेषाधिकार समिति बनाई गई श्रीमती शकुंतला रावत के नेतृत्व में। याचिका समिति अर्जुन लाल जिनगर के नेतृत्व में बनाई गई। इसी प्रकार महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति का सभापति श्रीमती अनिता बदेल को बनाया गया। इसी प्रकार पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति का सभापति श्री जितेंद्र सिंह को बनाया गया। अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति का अध्यक्ष महेंद्र जीत सिंह मालवीय को बनाया गया। इस प्रकार राजस्थान विधानसभा में विभिन्न समितियों का गठन अध्यक्ष के द्वारा किया गया। याद रहे, जो विशेषाधिकार सदस्यों के विशेषाधिकार से संबंधित मामलों के लिए श्रीमती शकुंतला रावत के नेतृत्व में समिति बनाई गई है। इसी प्रकार याचिका के लिए अर्जुन लाल जिनगर, महिला बालिकों के लिए अनिता बदेल के नेतृत्व में, पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में, और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए महेंद्र जीत सिंह मालवीय के नेतृत्व में समिति बनाई गई है। ये समितियां राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। और इसके अलावा अब बात करते हैं राजस्थान विधानसभा, जो कि अभी 15वीं विधानसभा कार्य में है, तो इसमें दलगत स्थिति की बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो कांग्रेस है उसकी 107 सीटें हैं, जिसके मुखिया माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। इसी प्रकार निर्दलीय उम्मीदवार 13 उम्मीदवार निर्दलीय चुने गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की संख्या 72 है। इसी प्रकार भारतीय ट्राइबल पार्टी के सदस्य 2, राष्ट्रीय लोकदल 1 और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 3 सदस्य विधानसभा में जीत कर आए थे, और ये 15वीं विधानसभा राजस्थान में कार्य करती है। इसके साथ ही और हम बात करते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, तो जैसा कि आप सभी को बताया विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी है, और राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया है, जो कि राजस्थान में विधानसभा के गठन के समय प्रोटेम स्पीकर के पद पे रहे थे। यानी प्रोटेम स्पीकर जो विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्य करते हैं, तो उसके पद पर गुलाब चंद कटारिया थे, और ये राजस्थान के वर्तमान में लीडर ऑफ द अपोजिशन यानी विपक्ष के नेता भी हैं। और इसके साथ ही मैंने आपको बताया जन लेखा समिति का सभापति भी गुलाब चंद कटारिया को बनाया गया है। इसके साथ ही मुख्य सचेतक, विधानसभा के मुख्य सचेतक महेश जोशी हैं। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट तथ्यों के बारे में बात करते हैं। राजस्थान जो विधानसभा है उसके उप मुख्य सचेतक श्री महेंद्र चौधरी राजस्थान विधानसभा के उप मुख्य सचेतक हैं। महिलाओं की बात करें, राजस्थान विधानसभा में
महिलाओं की संख्या 25 महिलाएं राजस्थान विधानसभा में चुनकर आई है। और याद रहे ये राजस्थान में 15वीं विधानसभा है, इनमें महिलाओं से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो राजस्थान विधानसभा में RLTP पार्टी से एकमात्र महिला जो चुनकर आई उनका नाम श्रीमती इंदिरा देवी, जो कि मेड़ता नागौर से चुनकर आई। इसी प्रकार राजस्थान विधानसभा की एकमात्र निर्दलीय महिला तो श्रीमती रमीला खड़िया, जो कि राजस्थान विधानसभा में एकमात्र निर्दलीय उम्मीदवार जो जीत कर आई थी कुशलगढ़ बांसवाड़ा से। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति ST वर्ग की राजस्थान में दो महिलाएं जीत कर आई, जिसमें एक श्रीमती रमीला खड़िया है और दूसरी महिला श्रीमती इंदिरा, जो कि कांग्रेस से बामनवास सवाई माधोपुर से जीत कर आई है। इस प्रकार ये राजस्थान विधानसभा में महिलाओं से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और इसी प्रकार के अन्य उपयोगी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू एंड बाय बाय।